In the context of Bharat Tex steering committee meeting, we have with us Dr. Neeraj Khanna, Deputy Chairman, EPCH. Sir, first of all, welcome in 10 News. What are the innovative technologies and products you expect Bharat Tex 2025 to showcase? Bharat Tex ki dusri edition ke liye main sabse pehle to Bharat Sarkar ko dhanyawad karunga aur jo first edition mein Bharat Sarkar ke dwara is Bharat Tex ko jo lagaya gaya ye hamare desh ke liye bahut hriday se dhanyawad ki baat hai. आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस शो के अंदर इतने सारे अलग अलग तकनीक के लोग जो टेक्सटाइल से संबंधित हों या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हों या डिफरेंट कैटेगरीज़ में हों उस कैटेगरीज़ को भारत टेक्स की तरफ से जो माल बेचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोबारा और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट भारत टेक्स के साथ में मिल करके इस नए मुकाम को हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके सामने आएगी. भारत टेक्स 2025 में मुख्य आकर्षण के केंद्र क्या रहे? भारत टेक्स 2025 में जनरली जो है हमारा देश का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके साथ साथ जो अब 80% हैंडीक्राफ्ट हमारा काम करता है हिंदुस्तान और 20-25% हम लोग काम करते हैं मशीनरी और हैंडीक्राफ्ट का जो मिश्रण है वो इस भारत टेक्स में देखने को मिलेगा. भारत टेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वस्त्र उद्योग को कैसे प्रमोट करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स और बायर्स को किस तरीके से आकर्षित करने के लिए पहल की जाएगी? भारत टेक्स द्वारा आज ही से पब्लिसिटी पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गई है चाहे वो जो है हमारे साथ में अलग अलग कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ हों एयरपोर्ट्स हों बुकलेट्स हों वर्ल्ड क्लास मैगजीन्स हों व रोड शोज़ हों इस तरह के कार्यक्रम भारत टेक्स के शुरू हो चुके हैं. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भर से अलग अलग कंट्री से इस देश में बायर्स आएंगे और अपना ख़रीदारी करेंगे जिससे बिजनेस का जो 200 ट्रिलियन मिलियन का जो है हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा. जी सर, इसके अलावा भारत में गुणवत्ता वाले वस्त्र उत्पादकों की अच्छी कंजप्शन है, ऐसे में भारत टेक्स इसे पूरा करने के लिए किस तरीके से योगदान करता है? देखिए, भारत टेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सेलर और बायर दोनों को जो है एक जगह मिलती है और उसको माल खरीदने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. तो मुझे लगता है कि अगर दोनों बायर और सेलर एक जगह पे आकर के मिलते हैं और बिज़नेस करते हैं इससे बिज़नेस की ग्रोथ होना निश्चित रूप से एक स्वाभाविक बात है. जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जो कि EPCH के डेप्यूटी चेयरमैन थे उनसे हमने बातचीत की. सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.